प्रणाम करतानी भोजपुरी देखे वाला सब दर्शक लोग के आजुकल बानी हम ममता तिवारी राउत पसंदीदा प्रोग्राम ओ वुमनिया के लेके हर बार के लेखा ये बार भी ले आई बानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या स्टार लोग से जुड़ल हर ताजा तरीन खबर के लेके जो जनला का बाद रोवा सबके होगी बहुत खुशी। आप प्रोग्राम के जरिए हम दर्शक लोग के मैसेज भी बताई लीजिए हर केहू आपन आपन फेवरेट स्टार खातिर भेजला त आज कौन मैसेज आयल बटे या का बटे खबर ई जाने खातिर डाली ए रिपोर्ट पर एगो नजर। पुलवामा में हुए घटना के बाद भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह से उनके फैंस की तरफ से डिमांड ये आ रही है कि पवन सिंह फिर से एक देशभक्ति गीत निकालें ताकि दुश्मनों को उस गाने से जवाब मिले। लेकिन हम कुछ पुराने ऐसे देशभक्ति पवन सिंह के गाए हुए गाने आपको बताने जा रहे हैं जिसे देख कर आज भी सच्चा देशभक्त के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे सुनने के बाद या तो कोई रो देता है या तो कोई जोश से भर जाता है। तो आज भी हम आपको उन गानों की कुछ जानकारी देने आए हैं। पवन सिंह का एक गाना है हमार देशवा महान जिसे 6 महीने में 2 मिलियन लोगों ने सुना। तिरंगा जान है मेरी 5 मिलियन लोगों ने सुन लिया है। नायक श्री राम चाहिए को 2 मिलियन लोगों ने सुना है। लौटा देना ये मेरे राम को 6.8 मिलियन लोगों ने सुना है। जागा भोलेनाथ बचावा वननाथ को 1.2 मिलियन लोगों ने सुना, जबकि होली हिंदुस्तान के 1.1 मिलियन लोगों ने सुना है। ये वो गाने हैं जो आज से 6 से 7 महीने पहले रिलीज हुए थे, जबकि इससे सालों पहले न जाने पवन ने कितने सारे देशभक्ति गीत गाए हैं जो लोगों को अभी तक पसंद आते हैं और जिसे सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। यही तो कारण है कि सिंगर के तौर पर हर साल पवन सिंह का दबदबा इंडस्ट्री पर छाया रहता है और इंडस्ट्री के बेस्ट सिंगर का अवार्ड हर बार पवन सिंह जीत ही लेते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी के युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू होली के आने से 2 महीने पहले ही सबसे पहले अपने गाने रिलीज करते हैं और हर साल होली में सबसे ज़्यादा आने वाले एल्बम में अरविंद अकेला कल्लू के गाने ही शामिल होते हैं। ना सिर्फ होली बल्कि हर सीजनल गानों में कल्लू के ही गाने सबसे पहले रिलीज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। सिर्फ एल्बम ही नहीं बल्कि हर साल कल्लू ही सबसे ज़्यादा स्टेज शो करने का रिकॉर्ड बनाते हैं। सारे फिल्में सितारों को टक्कर देते हैं स्टेज शो में, यहाँ तक कि स्टेज शो का रिकॉर्ड तो सुपरस्टारों से भी आगे निकल चुका है क्योंकि एक साल में अरविंद अकेला कल्लू कई सारे स्टेज शो करते हैं। फिलहाल इनका एक हिंदी होली गाना रिलीज़ हुआ है जिसकी जानकारी हम आपको बता देते हैं। कल्लू का ये गाना रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है मैं रंग डालूंगा, हिंदी गाना है। पोस्टर में अक्षरा सिंह दिखाई दी हैं, हो सकता है इसके वीडियो सॉन्ग में कल्लू के साथ अक्षरा होली खेलती नजर आएं। DRG म्यूजिक से हाल ही में ये गाना रिलीज़ हुआ है जिसे 1 लाख लोगों ने देख भी लिया है और बहुत पसंद भी किया। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए, कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। श्याम देहाती ने इस गाने को लिखा है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट। बिहार के निर्दलीय विधायक आनंद सिंह पुलवामा घटना में शहीद हुए CRPF कोबरा बटालियन के दरोगा रोशन कुमार के घर पहुंचे। 13 फरवरी को ID ब्लास्ट में रोशन कुमार घायल हुए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। शहीद जवान रोशन कुमार लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के गरसंडा गांव के रहने वाले थे। मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह शहीद के परिजनों से मिले और उन्हें ढांढस बताया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई जरूरत पड़े तो मुझे याद किया जाए, मैं हर तरह की मदद के लिए तैयार रहूंगा। बिहार सरकार से मांग करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि जिस तरह बॉर्डर पर लड़ने वाले सिपाहियों को सम्मान दिया जा रहा है उसी तरह से गया के जंगलों में लड़कर शहीद होने वाले रोशन कुमार को भी सम्मान मिलना चाहिए। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी के कई सारे स्टारों के साथ इंडस्ट्री को कई सारी सुपरहिट फिल्में दे चुके डायरेक्टर पराग पाटिल की संघर्ष फिल्म सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। पराग पाटिल का नाम भी संघर्ष फिल्म से ही लोगों के जुबान पर छा गया और उसके बाद ही इन्होंने बैक टू बैक कई सारी फिल्मों करने का निर्णय भी लिया। आप लोग जानते होंगे कि खेसारी लाल के साथ संघर्ष फिल्म करने के बाद निरहुआ के साथ बहुत जल्द पराग पाटिल अरब फिल्म लेकर आने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आज पराग पाटिल का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर उन्हें इंडस्ट्री के सभी सितारों ने खूब सारी बधाई दी है। खेसारी और निरहुआ के अलावा यश कुमार मिश्रा और कल्लू के साथ भी पराग पाटिल एक फिल्म बना चुके हैं। इनकी सारी फिल्मों को देखने के लिए सिनेमाघरों में भारी भीड़ लगती है। यही कारण है कि अपने सिनेमा को इन्होंने पराग पाटिल
स्टाइल सिनेमा नाम दिया है। संघर्ष फिल्म में जबरदस्त रिस्पॉन्स पाने के बाद अब अपनी अगली फिल्म से क्या कमाल दिखाते हैं पराग पाटिल, ये देखने का इंतजार सभी को है। लेकिन फिलहाल हमारी तरफ से भी पराग पाटिल को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट ऑन आई न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा का क्रेज दर्शकों पर इन दिनों बढ़ चढ़कर दिखाई देता है। आए दिन कोई ना कोई भोजपुरी गाना वायरल होता है और होली के मौके पर फिर से एक भोजपुरी गाना इन दिनों बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन एक गाना ऐसा भी है जो बिहार और यूपी की शादी में इन दिनों सबसे ज्यादा धमाल मचाए हुए है, और वो गाना किसी और का नहीं बल्कि इंडस्ट्री के सुपरहिट सिंगर रितेश पांडे का है। भोजपुरी गाना हाल ही में इन्होंने गाया था गोरी तोड़ चुनरी बा लाल लाल रे, जिससे यूपी बिहार में खूब हल्का मच रहा है। डीजे रिमिक्स में बनाकर लोग इस गाने को शादी ब्याह बारात में खूब बजा रहे हैं और इस गाने को सुनकर सभी झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, होली के मौके पर भी इन्होंने इसी ताल पर एक नया गाना निकाला जो लोगों को बहुत पसंद आया। इस गाने को YouTube पर करीब 22 लाख बार सुना जा चुका है। इस गाने का म्यूजिक इतना जोरदार है कि लोग झूमने पर अपने आप मजबूर हो रहे हैं। इस भोजपुरी सॉन्ग को रितेश पांडे के साथ अंतरा सिंह प्रियंका ने मिलकर गाया है। इससे पहले यह गाना वीगो वीडियो पर काफी पॉपुलर हुआ था, जब युवा इस गाने पर बच्चे के गाने पर अपने फेस एक्सप्रेशन देकर धूम मचा रहे थे। नेक्स्ट ऑन आई न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। दोनों जरा के मैसेज करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एक खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। काले फिर होके मुलाकात ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल ताजा तरीन खबर और दर्शक लोग के मैसेज के लेके, लेकिन तब तक खातिर हम रखे दी इजाजत। प्रणाम।